अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद मैं खेला या नहीं खेला, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट स्पेल मैंने जो आई विटनेस लाइव देखा है ना मैच, देखा है यार, मतलब रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली सारे टॉप फॉर्म में देखते हैं, और कमाल भी उसने बॉलिंग की बंदे ने। मैं कहता हूँ कि मैं ये गम भूल गया कि यार मैं फाइनल नहीं खेला। उसकी बॉलिंग देखने का नशा था ना उस वक्त, लाइव बैठ के मैं, अहमद शहजाद, फहीम अशरफ, हम तीनों बैठे थे डगआउट में, और इत्तेफाक से बैठे हुए ऐसी जगह थे कि सेंटर ऑफ द विकेट पे मैच था, डगआउट पे हम यहाँ बैठे थे, तो उसका स्विंग ये वो हर चीज दिख रही थी, नशा आ रहा था देखने। इवन सैफी भाई भी ये बोल के गए कि मेरी जिंदगी का सबसे फाइनल शॉट तू भी। बिल्कुल जेन्युइन बात है, अगर सरफराज भाई विकेट के पीछे खड़े होने वाला बंदा ये बात कह रहा है तो हम तो फिर बाहर बैठे थे, हम तो आई विटनेस है ना कि हमने लाइव देखा उस। वाह, सोचने का टाइम नहीं मिला भाई, नेक्स्ट बॉल पे आउट कर दिया और कमाल कर दिया आमिर ने तो उस चैंपियन ट्रॉफी में ना, बाजे फाड़ दिए, एंड कर दिया, एंड 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 बेशक ऐसे एंड किया, बेशक ऐसे। और आमिर का अलग ही रंग, खुश रहो वो आमिर का, मेरे अपने कैरियर में, मेरे अपने कैरियर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल जो मैंने देखा विकेटों के पीछे खड़े होकर, वो ऐसा स्पेल था जहाँ पे इंडिया की ना कमर तोड़ दिया, ऐसी बॉलिंग की, बहुत शानदार। तो क्या कमाल बॉलिंग की उस दिन मोहम्मद आमिर ने, मैं कहता हूँ ब्रिलियंट। तो फिर उसके बाद आपको पता है, लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, वो जो एक ग्राउंड का एनवायरनमेंट था ना फाइनल वाले, जब हमने 335 कर भी दिए नादिर भाई, 335 पे भी इंडियन बैटिंग लाइनअप कैपेबल थी कि वो कर, हाँ कैपेबल थी कि वो कर सकती थी। दूसरा, पाकिस्तानी क्राउड तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, नीला हुआ था सब ब्लू, लेकिन जैसी आमिर ने पहले रोहित को आउट किया, फिर कोहली को आउट किया, उसके बाद फिर धोनी को, उसको शिखर धवन को आउट किया, ऐसे